आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालकर पैसे कमाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने Facebook अकाउंट पर भी वीडियो डालकर पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो वीडियो आपने अपने YouTube चैनल के लिए बनाए हैं, सेम वही वीडियो आप अपने Facebook अकाउंट के पेज पर भी डाल सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं। Facebook पर होने वाली कमाई YouTube की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आज आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि आप Facebook पर कैसे अपना पेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और बताता हूं कि आपको पेज कैसे बनाना है। तो हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अपने Facebook को ओपन करना है। Facebook को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेज दिखाई दे रहा है, उस पेज पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड में क्रिएट का बटन दिख रहा है, उस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट का बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको अपने पेज का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपने पेज का नाम एंटर करना है। आपको जिस भी नाम से अपने Facebook का पेज बनाना है वही नाम आपको एंटर कर देना है। यह नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने YouTube चैनल का नाम यहाँ पर डाल के बना देता हूँ। अपने पेज का नाम डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग पेज की कैटेगरी होती है, तो आपको वही कैटेगरी डिसाइड करनी है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर टैग चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं टैग के रिगार्डिंग ही कैटेगरी डिसाइड करूँगा। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे नीचे की तरफ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यह आपसे थोड़ा टाइम लेगा और आपको यहाँ पर इस पेज पे जनरल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जनरल के अंदर एक बीओ दिखाई दे रहा है। बीओ के अंदर आपको अपने Facebook पेज का बीओ एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल का बीओ ही यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। बीओ एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट का बटन दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, वेबसाइट का URL डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल रहा हूँ। आप अपने एरिया की लोकेशन डाल सकते हैं। आप अपनी सिटी टाउन डाल सकते हैं। आप अपने एरिया का जिप कोड डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको हार्स का बटन दिखाई दे रहा है कि आप कितने घंटे Facebook पेज पर अवेलेबल रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, नो हार्स अवेलेबल, किसी भी टाइम पे आप वीडियो डाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर इनेबल कर रहा हूँ। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑप्टिमाइज योर पेज खुल जाता है। आपका पेज अभी ऑप्टिमाइज हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने Facebook पेज का लोगो एड लोगो वाली प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगो वाली प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे। देन उसके बाद आप कोई भी लोगो सेलेक्ट करके अभी के लिए लगा सकते हैं। Facebook का लोगो बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लोगो बनाने का वीडियो भी अलग से बना के दे दूंगा। कैमरे के आइकन पर क्लिक करके गैलरी में से कोई भी कवर पेज लगा लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपका पेज बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से आप अपने दोस्तों को इन्वाइट भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपका पेज बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। नीचे की तरफ डन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरा Facebook पेज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप Facebook से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपको Facebook पर इनकम करने के लिए आपको अपने Facebook पेज को मोनेटाइज करवाना होगा और अपने Facebook पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए
आपको 2 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर और 6 लाख व्यूज चाहिए, इसके बाद आपके चैनल पर एड स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी इनकम शुरू हो जाती है। आई होप आपको फेसबुक पर पेज बनाने का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। अभी आपका फेसबुक का पेज तैयार हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ ये तैयार हुआ है, इसको आपको बिल्कुल रेडी करना है, और आपको रेडी करने के लिए बहुत कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स बस इतना बता के छोड़ देते हैं कि आपका फेसबुक पेज बनेगा कैसे, इसके आगे के सेटिंग्स इनेबल करना नहीं बताते। तो चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको अपने फेसबुक पेज को बहुत जल्दी बूस्ट और ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने फेसबुक पेज के थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पेज का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पेज पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको लगाना है, और देन उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको अपडेट योर लोकेशन पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन कंप्लीट करनी है। लोकेशन कंप्लीट करना बहुत ही मैंडेटरी है। इसके बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। लोकेशन अपडेट करने के बाद आपको अपने बिजनेस आवर्स पर क्लिक करना है। बिजनेस आवर्स पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा 9 आवर्स अवेलेबल सेलेक्ट करें, तो आप किसी भी टाइम पे अपने फेसबुक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, और यदि आप इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते तो आपका पेज बूस्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड एन एक्शन बटन पर। ऐड एन एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला। इसके बाद आपका फेसबुक पेज जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आपका फेसबुक पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने को मिलता है, मैसेज। उस मैसेज के ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा, क्योंकि आपको कोई भी पर्सन यदि कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर आपको कोई भी पर्सन कॉन्टैक्ट करता है प्रमोशन या फिर किसी अन्य चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बैक का बटन दिखाई दे रहा है, वापस से बैक आ जाना है। फर्स्ट स्टेप हमने कम्प्लीट करनी है, अब हमें सेकेंड स्टेप कम्प्लीट करनी है। इन्वाइट फ्रेंड टू लाइक योर पेज पर क्लिक करना है। देन उसके इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वो इनवाइट फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनवाइट फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक के बाद आप देख सकते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट के जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको आप सेलेक्ट करके 1 बाय 1 या फिर सेलेक्ट ऑल करके सबको इनविटेशन भेज सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर इन्वाइट करने के लिए। सेंड इन्वाइट पर क्लिक करना है और अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। अब हम अपना 3rd स्टेप कंप्लीट करेंगे। बैक आने के बाद आपको 3rd स्टेप कंप्लीट करना है, राइट ए वेलकम पोस्ट पे क्लिक करना है। ऐसा करके आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पेज से बैक आ जाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पेज की सारी सेटिंग्स इनेबल हो चुकी है, अब आप वीडियो अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आपका लास्ट स्टेप बचता है कि आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है। सिंपली आप अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन इसके बाद अपनी गैलरी में से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है, और एक अच्छा सा थंबनेल भी उसके ऊपर लगा देना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक भी स्टेप को मिस नहीं करा है। देन आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ समझाया है। यदि आपने वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो वीडियो को दोबारा जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।